नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप देखेंगे घनाभ। इसमें घनाभ की परिभाषा और घनाभ में कितनी भुजाएं और कितने फलक होते हैं वो हम आपके लिए बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें और एक्सप्लेन करेंगे बाद में सवाल को हल करके, और उसको भी आप देखेंगे। तो आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर क्लिक करें जो नीचे है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, महान कृपा होगी। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, घनाभ। तो आज का जो हम घनाभ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात है, देखिए कि घनाभ होता क्या है। जैसे परिभाषा ये छह पृष्ठों से घिरी आकृति। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? छह पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। जितने पृष्ठ होते हैं वो आयत होता है, और सम्मुख यानी आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, और घनाभ या आयताकार पिंड कहलाता है। ऐसी आकृति जो छह पृष्ठों से घिरी होती है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ या आयताकार पिंड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, डस्टर है आपका, माचिस है आपकी, और ये मैंने चित्र पहले से बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। और ये माचिस, ये भी एक घनाभ होती है। इसमें जो है छह पृष्ठ हैं, एक ये, इसके बाद एक ये ऊपर, ये नीचे, ये बराबर होंगे। इसी प्रकार एक ये और इसके नीचे का एक ये बराबर होंगे, और इसके बाद एक ये और इसके नीचे का एक ये बराबर होंगे। तो जो आमने सामने के ये पृष्ठ हैं वो बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की हम लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई आती है आपकी, और ये वाली माचिस की ऊंचाई है जो इसमें, ये ऊंचाई कहलाती है, इसको हम एच से दिखाते हैं, और ये इसको हम लंबाई बोलेंगे। ये हमारा घनाभ है। अब आप देखिए चित्र से, इसमें जो लंबाई हम एल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई बी से दिखाते हैं और ऊंचाई एच से प्रदर्शित करते हैं, ये बात याद करने के लिए। इसमें जो है देखेंगे आप, इसमें हमने जो दिया है ये हमारे यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई कहलाएगी एल, और ये ऊंचाई कहलाएगी यहाँ से, और ये चौड़ाई कहलाएगी। इसका एक फलक ये है, इसके जस्ट पीछे फिर ये। तो इसके जो आमने सामने के फलक होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, और ये एक आयत पर रखा हुआ है, और सभी फलक, मान लो माचिस का ये है तो ये भी आपका आयत कहलाएगा, इसके नीचे आप चले जाएंगे तो ये भी आपका आयत कहलाएगा, और इधर देखें तो ये भी आपका आयत कहलाएगा। अर्थात इसके जो पृष्ठ होते हैं वो सब आयताकार ही होते हैं, ये बात ध्यान करने की है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ये आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है इसमें? घनाभ का आयतन, जब घनाभ का आयतन जो है हमारा एल वी एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक आयतन का एक मतलब जो आयताकार पृष्ठ होता है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई कहलाता है। तो घनाभ का जब आयतन निकालेंगे हम तो इसमें h और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊंचाई, तो इसका जो आयतन वो कहलाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसकी इकाई जो होती है हमेशा, आयतन जो है हमेशा घन में आता है। यदि हमारी भुजाएँ मीटर में दी हैं तो हम घन मीटर बोलेंगे, और सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर बोलेंगे,
और मिलीमीटर दिया है तो घन मिलीमीटर बोलेंगे, अर्थात इसकी जो इकाई है आयतन की इकाई, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि घन की आयतन की इकाई क्या होती है, तो इसको हम हमेशा घन में ही दिखाते हैं। घन को जैसे मान लीजिए भुजाएं सेंटीमीटर में दी हैं, तो हम सेंटीमीटर इसका जब आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर ऊपर ही घन लगा देंगे, ये इसकी इकाई कहलाती है। इसी प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है, 2 × स्मॉल ब्रैकेट है एल बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस एच एल यानी ऊंचाई गुणा लंबाई। ये एक चक्र आप बना लें बेहतर रहेगा, मैंने ये बना लिया है यहाँ से, देखो आपको दिखा दूँ, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हम यहाँ से चलेंगे एल वी फिर बी एच फिर एच एल, यानी एल वी यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई, बी एच यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई और एच एल यानी ऊंचाई गुणा लंबाई, ब्रैकेट बंद। तो ये जो सूत्र है वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तात्पर्य होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है घनाभ की जो सतह होती है, किसी कपड़े से हम ढक दें सतह को तो वो पृष्ठ कहलाता है। अब नेक्स्ट सूत्र जो हमारा है वो है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण में क्या होता है, रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और तीनों का जो हम वर्ग कर देंगे और जो भुजाएं होंगी उन भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये हमारा ये घनाभ का विकर्ण निकल कर आ जाएगा। और इसकी इकाई कुछ नहीं होती है, इसकी इकाई केवल वही होता है मात्र जो सेंटीमीटर में दिए भुजा तो सेंटीमीटर ही बोलेंगे और मीटर दिया तो मीटर ही बोलेंगे, लेकिन जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की इकाई जो होती है वो होती है वर्ग, ध्यान रखना इसको हम वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर या वर्ग मिलीमीटर जो भुजा दी है माप वो हम उसमें वर्ग ऐड करके बोलेंगे वर्ग मीटर, ये इसकी इकाई होती है और इसकी इकाई नहीं होती है। इसी प्रकार घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जो है 2h × l + b यानी 2 × ऊंचाई × l और b का लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के हम दोनों में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर में, ये भी वर्ग मीटर में ही आता है। ये थे घनाभ और उससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे ये सवाल है हमारा, ये एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन जो है 48,000 घन मीटर सेंटीमीटर है, यह है ये मात्र लगा हुआ है इसमें घन सेंटीमीटर है, तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, लंबाई ज्ञात करना है सूत्र, ये पूछ रहा है सवाल में। मतलब आयतन दिया है घनाभ का और भुजाओं का अनुपात दिया है, तो ऐसे सवालों अनुपात वाले में क्या करते हैं कि हम भुजा मान लेंगे, माना घनाभ की भुजा एक्स, तो जो पहली भुजा हो जाएगी वो हमारी केवल एक्स हो जाएगी, दूसरी जो भुजा हो जाएगी वो हमारी 2x हो जाएगी यानी 2:1 दिया, और तीसरी जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, ये हमारी तीनों भुजाएं हो गई। इसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो सबसे अधिक वाली भुजा है वो उसको हम लंबाई मानेंगे, इसके बाद इसको हम चौड़ाई मानेंगे, इसको बाद एच मानेंगे, ये ध्यान रखना। तो हमारी ये तीनों भुजाएं हैं, अब हम क्या करेंगे इसकी हमें भुजा निकालने, भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे घनाभ का आयतन, सूत्र का प्रयोग करेंगे घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम बहुत सवाल ऐसे होते हैं जिसमें घनाभ का आयतन दिया है और दो भुजाएं दी हैं और एक भुजा पूछ ली जाती है, तो उसी में ये सूत्र लगाते हैं, घनाभ आयतन जगह पे हम एच का आयतन रख देंगे 48,000 और एल हमारा जो है एक्स है गुणा बी हमारा जो है 2x है
और h हमारा 3x है। तो इसको हम जब हल करेंगे 48,000 सॉरी, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होते 6x3, ये आएगा हमारा। तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे x की घात, इधर x इधर इधर ले लेते हैं और 48 इधर ले लेंगे, इसके बटे में जो है 48,006, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8,000, 6×8=48,30, यानी 8,000 आएगा ये। तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा √8,003। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे 8,000 का तो ये 20 आ जाएगा। तो हमारा x का मान 20 आया। अब हम यहाँ भुजाओं में जो है हम इसका मान निकाल देंगे। तो x बराबर हमने कितना माना है जो है x का मान आया है 20, तो ये पहली भुजा हमारी हो जाएगी 20 और जो दूसरी भुजा हो जाएगी 2×20 बराबर यानी 40 और तीसरी हो जाएगी 3×20 बराबर 60। अर्थात हम x की जगह पे जो है x का मान रखने के बाद जो हम भुजा ये ज्ञात कर लेंगे तो सबसे बड़ी भुजा हमारी ये 60 आई है। अब मैंने आयतन निकाल दिखा दिया आपके लिए, नहीं तो आप देख लें एक बार आयतन कैसे निकालेंगे इसका। मान लो घनाभ का आयतन निकालना है हमें, घनाभ का आयतन तो निकला हुआ है तो एल बी एच आ जाएगा, अर्थात इसकी गुणा कर देंगे 20, 40 और 60। तो इसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4×8 8×6 48 यानी 3048 यही घन सेंटीमीटर। इसका आयतन मैंने बता दिया आपके लिए। अब हम इसको निकालते हैं इस सूत्र से, इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारा 2×LV+BH+HL। तो यहाँ पर जो है हम भुजाओं की माप रखते चले जाएंगे, 2L जो है हमारा दिया है 60 और गुणा B दिया है 40 प्लस, ये प्लस का निशान, B फिर 40 दिया है गुणा H दिया है हमें 20 और प्लस H दिया है 20, L दिया है 60। ये जो है लिखने के बाद हम इसके जब हल करेंगे सवाल के लिए 2 × ये आ जाएगा आपका 6×6=2×800+2×12=1200। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, इसको हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका 24×8=3200 यानी 4400। हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 88। इसको हम वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर बोलें। अब इसी प्रकार हम निकाल देंगे इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसका सूत्र होता है L²+B²+H² यानी L हमारा दिया है 60, इसका स्क्वायर प्लस B दिया है हमारा 40, इसका स्क्वायर प्लस H दिया है हमारा 20, इसका स्क्वायर, इसका हम जब वर्ग करेंगे 60 का तो ये हमारा आ जाएगा 3600+1600+400। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5600। और इसके जगह हम वर्गमूल निकालेंगे तो करीब करीब इसका वर्गमूल आएगा 74.8। तो ये आंसर हम इसका निकाल लेंगे। ये सवाल थे। तो ऐसे हम जो है घनाभ के आयतन व सभी जो भी हैं वो निकाल सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, ये दो जो है दो घन अगर छटा के रख दिए जाएं तो ये घनाभ बन जाता है,
दो घन जो है सटा कर रख दिए जाए तो क्या बन जाता है, घनाभ। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई एक रहती और लंबाई में उसका परिवर्तन हो जाता है। और घनाभ बनाने का तरीका आप एक बात देख लें, ये हमारा एक आयत है, ये एक आयत हम ये बना देंगे और इसके बाद ये एक आयत हम इसकी आदि भी लेके यहाँ से यहाँ तक जितनी हम यहाँ छोड़ेंगे इतनी हम इधर आगे बढ़ाएंगे, और इसकी जो भुजाज्य वाली ये बराबर रखेंगे लमसम, और ये वाली बराबर रखेंगे, तो ये वाली हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी ये गलती बन के आएगी। ये मिला देंगे इससे और ये इससे मिला देंगे और ये इससे मिला देंगे और ये आपका ये घना बन के तैयार हो जाएगा। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।